लव व्यूअर्स, कराची के शहरियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, रमजान की आमद आमद भी है, लेकिन अब चेज़ब ने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक अब गुलिस्तान जौहर पर एक अपनी जो है नई ब्रांच का इफ्ताह किया है। इस ब्रांच की खसूसियत यह है कि जितने भी चेज़ब यहाँ पर खुले हुए हैं उन सबसे बड़ा जो है ये चेज़ब है और इसके अंदर हर किस्म की अशिया जो हैं वो दस्तियाब हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और जो है इसके अंदर प्राइसेस कैसी होंगी, किस तरह की जो है ये इमारत है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जीएफएस के एमडी मोहसिन वाहिद, उनसे बात करते हैं जो कि चेज़ब के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये जो है ब्रांच खोली गई है, ये मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताएं इस चेज़ब की और दूसरे चेज़ब में क्या फ़र्क है, दूसरी ब्रांचेस जो हैं? अभी देखें, अगर आप खुद एंटर हुए होंगे तो आपको पता लग गया होगा, इतनी गहमा गहमी है लोगों की। इस गहमा गहमी के साथ हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए चेज़ का इफ्तिताह किया है, इस ब्रांच का इफ्तिताह किया है और इस ब्रांच में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जी गई हैं जो कि कम नहीं है कंपेरेटिवली टू एनी अदर नेशंस। अगर आप बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो वहाँ पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए जाते हैं जिसमें इतने मशहूर नाम हैं, वॉलमार्ट है, सेल्फ्रिजेस है, लूलू हाइपर मार्केट है, कारफोर है। तो अब आप अगर चेज़ के अंदर आते हैं, एंटर होते हैं, तो आपको सारे फीचर्स, सारी फीलिंग उस तरह की मिलती है जिस तरह का एटमॉस्फेयर है। और इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं ये कितने एरिया पे बना हुआ है, ये अगर ये बिगेस्ट मतलब वो है कितने एरिया में और किस तरह डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए गए हैं यहाँ पर, किस तरह? हमने देखें इसको डिपार्टमेंटल वाइज सेग्रीगेट किया है, क्रॉकरी का डिपार्टमेंट अलग है, बच्चों की क्लोथिंग का डिपार्टमेंट अलग है, बच्चों की क्लोथिंग के साथ साथ जेंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, कॉस्मेटिक्स अलग है। तो हमने इसका पूरा लेआउट इस तरह से बनाया है कि जिसको जहाँ पे जाना है वो इजीली उधर एक्सेस उनको फराम किया जाए और वहाँ पे अपने स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड डिज़ायर शॉपिंग एरिया में जाके उधर चीज़ें खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। और उससे बेहतरीन चीज़ ये है कि कस्टमर का टाइम भी बच जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर लेआउट डिफाइन नहीं है तो आप कभी स्टोर के अंदर इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पूरा घन चक्कर बन रहे हैं। तो ये पूरा लेआउट डिफाइन किया हुआ है, वॉल पैनलिंग के ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं एरोज़ के साथ, लिफ्ट के साथ, और इधर लोग भी मौजूद हैं आपको असिस्ट करने के लिए। अच्छा नहीं कितनी मंजिला इमारत है ये और कितना बड़ा एरिया है? तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है और अपना ये तकरीबन 4 फ्लोर के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, अच्छा चले, ये मोहसिन वाहिद मेरे साथ मौजूद थे जो इसकी तफसीलात से बता रहे थे। कोशिश करते हैं कि जो चेज़ब के ये कुछ डिपार्टमेंट्स आपको दिखाएं, सिराज कैमरामैन से कहूँगा कि ये ज़रा दिखाएं, ये क्रॉकरी जो है उसके डिपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर कबल ही इसका इफ्ताह हुआ है और शहरी जो है अभी से ख़रीदारी के लिए आ गए हैं यहाँ पर और ख़रीदारी में मसरूफ़ भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जवाद बशीर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, उनसे भी मज़ीद मालूमात हासिल करें। रमज़ान भी आने वाला है ऊपर से और इस हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेज़ब जो है उसने क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट रखा है यहाँ पर कस्टमर्स के लिए या नहीं। चेज़ब जो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ब्रांच है, इस वक्त हम एक कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है शायद ये वहाँ पर मौजूद है और मेरे साथ चेज़ब के जो को डायरेक्टर हैं जवाद बशीर, उनसे भी जानते हैं कि ये चेज़ब में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक लग रहा है मुझे तो। जी ये हमारा कॉस्मेटिक्स का वन ऑफ द ब्यूटी का ये हेयर केयर का डिपार्टमेंट है जिधर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अच्छा ये मैनेज किस तरह से किया हुआ है, हर डिपार्टमेंटल वाइज चेज़ब को किस तरह से वो कहेंगे अपने कस्टमर्स? डिपार्टमेंट वाइज इस तरह मैनेज्ड है कि हमारे बायर्स हैं मुख्तलिफ जो हर डिपार्टमेंट की बाइंग करते हैं उसको संभालते हैं, उसकी सप्लाई चेन को देखते हैं एंड टू एंड, उनको किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो एवरीबडी इज़ एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड और वो करते हैं बाइंग।
अच्छा अभी रमज़ान जो है आने वाला है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग इतने परेशान हैं कि वो बिल्कुल खुदकुशियाँ भी हुई हैं बहुत बड़े बड़े, इस हवाले से कोई मतलब डिस्काउंट है चेज़अप के ऊपर कोई? चेज़अप का आपको पता है कि प्राइसेस तो हमेशा चेज़अप की, हमारे जो सार्फीन हैं हमारे कस्टमर्स उनको तो पता ही है कि चेज़अप की जो प्राइसेस हैं वो अच्छे होते ही हैं, लेकिन प्राइसेस के साथ क्वालिटी मेंटेन करना और वो चीज़ें देना, ख़ास तौर पे आपके पास पेरिशेबल आइटम्स हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है, गोश्त है, चिकन है, ग्रोसरी है, ये सब वो चीज़ें हैं जो अब रमज़ान और शाबान आ रहा है सबको जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वक्त पर लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन चेज़अप की एक लेगेसी है, एक पॉलिसी है कि प्राइसेस हमारे कम से कम होते हैं, क्वालिटी हमारी अच्छी होती है, लिहाजा हम अपने सार्फीन को, अपने कस्टमर को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं कि वो यहाँ आएँ और हमारी प्राइसेस, हमारी क्वालिटी को देखें और बाइंग करें। थैंक यू जवाद बशीर जो कि चेज़अप के को डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद थे। ये मुख्तलिफ इसके डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर क्योंकि पहले भी शहर के अंदर कई इनकी ब्रांचेज मौजूद हैं चेज़अप की, और वहाँ पर भी जो है जो सार्फीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, इंतहा मुतमईन दिखाई देते हैं कीमतों के हवाले से, और अभी जो है क्योंकि ये नई ब्रांच खुली है यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट में जो है चीज़ें दस्तियाब हैं, तो शहरी आएँ और यहाँ पर इंजॉय करें, एक अच्छा माहौल है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत माहौल, और अपनी ख़रीदारी भी कर सकते हैं और इन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं।